46 साल के इतिहास में भारत से हमेशा वर्ल्ड कप में हारा है पाकिस्तान, और 24 अक्टूबर को होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच यहां पे पाकिस्तान के साथ खेलेगी इंडिया की टीम, और 46 साल के रिकॉर्ड को यहां पे बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब टीम इंडिया ने सब पड़ोसी देश को यहाँ पर धूल चटाई है। तो जो पहला वर्ल्ड कप था 1975 में वनडे फॉर्मेट के तौर पर खेला गया था। हालांकि भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहली बार सामना हुआ था 1992 में। उसके बाद से अब तक T20 वर्ल्ड कप जोड़कर कुल 12 बार दोनों टीमों का आमना सामना हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर शुरू हो चुका है और 30 अक्टूबर से होगी सुपर 12 के मेन स्टेज की शुरुआत। 24 अक्टूबर को यानी आगामी रविवार को होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला, इस मुकाबले में आमने सामने होंगे चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान। इससे पहले वर्ल्ड कप के इतिहास में 12 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है और हर बार भारत ने पाकिस्तान को बाजी मारी है। आपको बता दें कि पहला वर्ल्ड कप 1975 में वनडे फॉर्मेट के तौर पर खेला गया था। हालांकि भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहली बार सामना हुआ था 1992 में। इस वर्ल्ड कप का विजेता पाकिस्तान जरूर रहा था, लेकिन यहाँ भी उसे भारत से हार झेलनी पड़ी थी। 1992 से शुरू हुआ वो हार का सिलसिला 2019 तक पहुँचा और 12 बार पाकिस्तान को भारत से हार मिली, लेकिन इस 12 में 5 हार T20 वर्ल्ड कप की भी शामिल है। यानी 7 बार वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। वो हार का डाटा इस प्रकार है। T20 वर्ल्ड कप में भारत से कब कब हारा है पाकिस्तान। इस बार T20 विश्व कप में 6ठी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगे। इससे पहले 2007 में फाइनल सहित 2 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था। दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। इसके बाद साल 2012 में सुपर 8 में फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी, जहाँ एक बार फिर पाकिस्तान को यहाँ पर हार का मुँह देखना पड़ा था। फिर एक और बार दोनों टीमें 2014 और 2016 T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में आमने सामने थीं। यह भी परिणाम वही था कि इंडिया ने एक और बार यहां पे धूल चटाई पाकिस्तान को। इन दोनों टूर्नामेंट भी पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 2009 और 2010 T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आमना सामना नहीं हुआ था। और वहीं अगर बात करें वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के सामने भारत की अजय बढ़त है। अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 7 बार भिड़ंत हुई है। पहली बार दोनों टीमें 1992 में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान को 43 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद 1996, 1999 और 2003 में भी पाकिस्तान अपनी हार को टला नहीं पाया था। इसके बाद 2017 में दोनों टीमें का आमना सामना नहीं हुआ था। फिर एक और बार 2007 में दोनों टीमों का आमना सामना नहीं हुआ था, क्योंकि 2007 में ग्रुप लीग में ही यहां पे बांग्लादेश के हाथों हार के कारण इंडिया पहले ही बाहर हो चुकी थी। फिर उसके बाद 2011 के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग हमें देखने को मिली थी। यहाँ भी भारत ने पाकिस्तान को 29 रनों से यहाँ पे हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर 1943 के बाद वर्ल्ड कप जीता था। और ये वर्ल्ड कप यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सालों बाद हमें यह देखने को मिला था। 1983 में इससे पहले हमने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद धोनी कैप्टनसी में 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल हमने श्रीलंका को हराकर इस वर्ल्ड कप पे कब्जा करा था दूसरी बार। लेकिन ये वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल में जो हार खाई थी हमें पाकिस्तान ने 29 रनों से, वो बहुत बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए। और फिर सिलसिला पहुँचा 2015 वर्ल्ड कप तक। यहाँ दोनों टीमों का आमना सामना हुआ ग्रुप स्टेज में। इस मुकाबले में भी पाकिस्तान को 76 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। आखिरी बार दोनों टीमों ने 2019 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 79 रनों से हराया था। जी हाँ, 79 रनों से यहाँ पे 2019 के वर्ल्ड कप में हार का मुंह खाना पड़ा था एक और बार फिर पाकिस्तान को। 46 सालों से इतिहास यहाँ पे तोड़ नहीं पाई है पाकिस्तान की टीम, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो मेन वाला वर्ल्ड कप हो। ये तो बात होगी इन सभी 12 मौकों की जब भारत ने पाकिस्तान को पटका है। ICC इवेंट के दौरान अब
बारी है 13वीं और T20 वर्ल्ड कप की छठी भिड़ंत की। ये मुकाबला होगा 24 अक्टूबर को यानी आने वाले रविवार को। इस मुकाबले के साथ दोनों की टीमें इस वर्ल्ड कप के अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। ये मुकाबले दुबई में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो एक और बार यहाँ पे छठी बार भिड़ेगी T20 में और 13वीं बार भिड़ेंगे कुल टोटल यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे। तो क्या इस बार पाकिस्तान इस 46 साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, ये 24 अक्टूबर की शाम को पता लगेगा। जिस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया के फेवर में है, 12 बार यहाँ पे आमने सामने अभी तक पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में सामने हुई है इंडिया की और 12 बार इनको यहाँ पे पटकनी दी है इंडिया ने। तो इस बार 13वीं बार भी क्या हम पटक सकते हैं पाकिस्तान को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।